हेलो एवरीवन, दिस इज नाउ द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 एनिमल टिश्यू फ्रॉम स्टेट बोर्ड एंड चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इन एनसीईआरटी। तो ये चैप्टर दोनों के लिए कॉमन है, स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी अपने नीट के लिए, क्योंकि इसमें का जो बीट्स है, जो कुछ भी पॉइंट है, नए स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से एनसीईआरटी से पूरा मैच किया हुआ है। सो हमको ज्यादा अलग कुछ उसमें है नहीं पार्ट, वैसे तो आपको नोट्स मिल गए हैं। सो उन नोट्स के अंदर आपको ये चैप्टर के जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाए, ठीक है। आपको क्या लिखना है स्टेट बोर्ड को मैं आपको बताता रहूंगा, इसमें क्वेश्चन को डील कैसे करना है, प्लस एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर जहां दिया हुआ है, सो इसके अंदर का आपको मैं वो पूरा पार्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। डायग्राम्स वगैरह ये चैप्टर से बहुत आते हैं और ये चैप्टर बेस है आपके आगे की स्टडीज के लिए। बेस इन द सेंस आपको ये वाले टर्म्स एनिमल टिश्यू वगैरह, जैसे कि आप देख रहे हो चैप्टर का नाम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में स्ट्रक्चर्स बॉडी कैसे बनाई रहती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना है बॉडी में, तो इस चीज के बारे में पूरा डिस्कस करे वाला है। अगर आपको ये सारे शब्द पता होंगे तो आपको जाके आने वाले टाइम में ब्लड, हार्ट, ब्रेन, वहां पे कौन सी चीजें रहती, कैसे रहती, वो चीजें समझेंगे। तो ये बहुत बेसिक चैप्टर है, इसीलिए मैं भी जूलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। हम एनाटॉमी के पार्ट में जरूर जाएंगे, जल्दी ही जाएंगे, मैं उसके लिए आपको कुछ ये नहीं रोकने वाला हूँ, बट आपको ये वाला पार्ट पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि ये बेस है आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो कुछ भी डिडक्टेड पार्ट है सिलेबस का, सो वो मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ, उसको एंड में और एडिशनल बीट बोल के मैं लूंगा। अदरवाइज आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट है मैं सारा लेक्चर पूरा जो आपको पार्ट ऑफ सिलेबस है कवर कराना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू बोल के है स्टेट बोर्ड में 10th नंबर का चैप्टर, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स बोल के 11th अपने एनसीईआरटी में 11th की चैप्टर नंबर 7, ठीक है। मैं एनसीईआरटी की हेडिंग ही दूंगा, आप समझ जाना अपना वही चैप्टर चल रहा है, 10th वाला, 10th एनिमल टिश्यू। अब जैसे कि अपन बात करें एनिमल टिश्यू की, तो हमने सेल से स्टार्ट किया था। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स, दे ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स बॉडी बनाते और फिर सब सेल से ही हम बने वाले, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड, अपने सेल थ्योरी देखे थे तो वो शुरुआत थी हमारे, उसके अंदर फिर हमने उसके सेल के बायो मॉलिक्यूल स्टडी किए, उनमें सेल डिवीजन कैसे होती वो देखे, मतलब हमने सेलुलर स्टडी, सेल बायोलॉजी की स्टडी कर ली। अब वो सेल से ऑर्गेनिज्म कैसे बनता, हम उसके एक ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा लेवल पे जाके अपन स्टडी करने वाले। सो सेल शुरुआत अगर देखे आपने, तो ये जो पूरा चैप्टर है, दिस चैप्टर इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू। स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू, वही पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल इज द इंडिविजुअल यूनिट, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स मिल के क्या होते हैं, जैसे कि आपकी स्किन की सेल फॉर एग्जांपल, कोई भी एक सेल निकाल लो माइक्रोस्कोप के नीचे लग के स्टडी करो, सो आपकी स्किन बनेंगे, ऐसे सेल एक सिंगल यूनिट रहेंगे, ऐसे हजारों सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स आपके रिपीटेड वाले रहेंगे, बिलियंस ऑफ सेल्स रहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, एंड दे विल फॉर्म द ऑर्गेनिज्म, ओके। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मेनी सेल्स विल कम टुगेदर, दे विल हैव सिमिलर और कॉमन ओरिजिन, कॉमन स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिमिलर फंक्शन। दे फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन, सो दैट ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज योर टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन लर्न कर लो, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसे कि आपकी स्किन, तो स्किन को एक सेल से बनाया नहीं, बहुत सारे स्किन में सेल्स रहते, सो दे आर ऑफ हैविंग सेम स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर सेम रहता, ऑलमोस्ट दिखने में सब सेम रहेंगे, फंक्शन सेम रहेगा, प्रोटेक्शन करेंगे सबके सब, राइट। दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम लेयर ऑफ योर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो मां के पेट में जब आप ग्रो हो रहे थे, सो अपने ग्रोथ के टाइम पे जो कोई भी लेयर्स तैयार होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, सो उन लेयर्स में से एक्टोडर्म से स्किन बन सकती है, एंडोडर्म से भी बन सकती है, ट्रायो ओरिजिन रह सकता, सो उनका ओरिजिन वो जब ग्रो होते यूटेरस में, सो किस लेयर से ग्रो हो रहे, सो उनका ओरिजिन कौन से लेयर से वाला है वो भी सेम रहता, सो जब इस तरीके के सेल्स का ग्रुप बनेगा तो वो सेल्स के ग्रुप को बनेगा टिश्यू। जैसे कि मसल्स, तो आपके सेल्स के स्किन के अंदर मसल्स है, सो मसल्स दे हैव कॉमन स्ट्रक्चर, दे हैव कॉमन ओरिजिन, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेसोडर्म, दे हैव कॉमन स्ट्रक्चर, मसल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, दे हैव कॉमन फंक्शन, सब मसल्स का काम कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। कोई भी मसल जब आप आंख खोलेंगे इस तरीके से, तो आंखों के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जब आप नॉर्मल कर लेंगे तो रिलैक्स होंगे,
आप जब घूर के देखेंगे किसी चीज को इस तरीके से तो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे आंखें और रिलैक्स नॉर्मल पोजिशन में रिलैक्स रहेंगे मसल्स। आप जब स्माइल करेंगे तो आपके फेशियल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब जब नॉर्मल आ जाएंगे सो वो रिलैक्स होंगे। मीन्स हर मसल का काम रहता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, सो उनका फंक्शन सेम हो गया। सो दैट विल फॉर्म द ग्रुप ऑफ टिश्यू हैविंग कॉमन स्ट्रक्चर, कॉमन फंक्शन, कॉमन ओरिजिन। इट इज कॉल्ड मस्क्यूलर टिश्यू। सेम ब्रेन में नर्वस टिश्यू। सो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। तीन चीजें सेम रहना, ठीक है, दैट ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे तो अपना स्किन बन रहा, मस्कुलर टिश्यू बन रहा, बोन बन रहे, ब्लड बन रहा, ओके, ब्लड में भी सेल्स रहते, राइट। सो ये तुम्हारे टिश्यू बना रहे अलग अलग तरीके के, ब्रेन बना रहे आपके अलग अलग टिश्यू बना रहे, ठीक है। इन टिश्यू से मिलके जो बनता ग्रुप ऑफ टिश्यूज ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। टिश्यूज जुड़ जुड़ के क्या बनेंगे? ग्रुप ऑफ टिश्यूज विल फॉर्म ऑर्गन्स। जैसे कि आपका ब्रेन इज एन ऑर्गन, हार्ट इज एन ऑर्गन, राइट, योर हैंड्स, किडनी इज एन ऑर्गन। अभी इनमें क्या रहता है? अपन बोलेंगे सर हार्ट तो एक ही चीज, हार्ट किससे बना है? हार्ट इज मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मसल्स रहते हैं उसमें, हार्ट मसल्स आर प्रेजेंट। बट सिर्फ उसमें मसल्स नहीं है, हार्ट के अंदर से इपिथेलियल टिश्यू की लेयर रहती, हार्ट के बाहर से कवरिंग रहती दूसरे टिश्यू की, हार्ट के ऊपर फैटी टिश्यू की कवरिंग रहती जिससे उसको प्रोटेक्शन मिलता। मैकेनिकल इंजरी, किन्हें छाती में बुक्का मार दिया तो मर जाएंगे ना तुम दब करके। सो उससे बचाने के लिए भगवान ने हार्ट को प्रोटेक्टेड रखा है कवरिंग के अंदर, कॉल्ड पेरिकार्डियम। सो उसमें अलग टिश्यू रहता, सो इस तरीके से पूरा हार्ट बना रहता, प्लस उसमें ब्लड रहता उसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू। हार्ट मस्कुलर टिश्यू हो गया, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हो गया, उसके लेयर्स रहती इपिथेलियल टिश्यू, और ब्रेन से नर्व्स भी आए वाले रहते हैं हार्ट के अंदर, तो नर्वस टिश्यू। मतलब इस तरीके से कई सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते। सेम किडनी में, लीवर में, आपके अलग अलग ऑर्गन ले लो। सो ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विल फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स। मेनी ऑर्गन्स विल फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स Performing similar function. For example, आपका nervous system, they will form system. Nervous system में क्या है? Brain, spinal cord, nerves, पूरे nerves रहते। Spinal cord आपके back side से पूरे vertebral column से निकल के घूमती और पूरे उसके nerves निकलते हैं। They will have common function, common structure. Brain का काम क्या है? Control and coordination of body, right? Then other systems like your sensory system मतलब आपके sense organs, they are the part of your nervous system, right? But they take the sense towards the brain. For example, 5 sense organs: eyes, nose, ears, tongue or skin, right? These are your sense organs. They form sensory system. Similarly, respiratory system: lungs, nose, ये पूरा respiratory system. Heart, blood vessels, blood, they will form your circulatory system, blood circulatory system, right? Digestive system, urinary का तुम्हारा urinary system, correct है? वैसे reproductive system, okay? Bones वगैरह से तुम्हारा locomotory system, समझ रहे? So अलग अलग tissue रहते हैं, उनके अंदर अलग अलग organs रहते हैं, heart वगैरह ये पूरे मिलके तुम्हारे organs मिलके क्या बनेंगे? Circulatory system. Brain organ मिलके क्या बनेगा तुम्हारा? Nerve, spinal cord के साथ मिलके क्या बनेगा? Nervous system. स्टमक, लीवर, ये सब मिलके क्या बनाएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, समझ रहा है? सो अलग अलग ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? अलग अलग सिस्टम्स, दे हैव डिफरेंट सेम फंक्शंस, एक जैसा फंक्शन करते, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करते, ओके? देन सब फंक्शंस, सब सिस्टम्स एक साथ मिलके क्या बनाएंगे? मेनी सिस्टम्स विल कम टूगेदर एंड दे विल कॉम्प्रोमाइज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया ना, मेरे बॉडी में क्या क्या है? नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, लोकोमोटरी, वस्कुलर सिस्टम, लिम्फैटिक सिस्टम, इम्यूनिटी वाला सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम। सो ऐसे कई सारे सिस्टम्स मिलके मेरी बॉडी बनाते, पूरी कंप्लीट बॉडी बनाते, समझ रहा है? तो इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेल्स से बने वाले, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बनते सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स से बनता कंप्लीट ऑर्गेनिज्म।
complete organ. So what is the correct sequence? Cell makes tissue, makes organs, make systems, and that systems will comprise the complete organs. समझ में अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसा है. अपन इस तरीके से अपने ऑर्गन्स बनाए. अपना बेसिक जो चैप्टर है इट इज डीलिंग विद एनिमल टिश्यू, स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू, अपने टिश्यू की ही स्टडी करने की. ठीक है, तो अपने बॉडी में जो चार प्रकार के टिश्यू है, दे आर फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू. इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू ले लो पहले, इपिथेलियल के बाद अपन स्टडी करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. दीज आर दी फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी. ये चारों के ही बारे में अपने को स्टडी करने का है. सब आ जाते हैं इसके अंदर. ब्लड भी इधर कहीं ना कहीं आ जाएगा, मसल्स आ जाएंगे कहीं ना कहीं, तुम्हारे न्यूरॉन्स आ जाएंगे, सब के सब इन चारों के किसी ना किसी जगह पे आपका मेंशन आ जाएगा. ठीक है, सो ये जो चारों में मेजर कैटेगरीज है अपने बॉडी के, देर आर फोर मेजर कैटेगरीज. एमसीक्यू में पूछते हैं हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. ओनली फोर टाइप्स, ओनली फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज. आइदर इट में बी इपिथेलियल, इसमें स्किन विन सब आ जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू इसमें ब्लड फैटी टिश्यू सब आ जाएंगे, मस्कुलर टिश्यू सब मसल्स आ जाएंगे इसके अंदर, नर्वस टिश्यू इसमें तुम्हारे न्यूरॉन्स वगैरह ब्रेन वगैरह, बोन्स वगैरह कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे क्योंकि बॉडी में कनेक्शंस बनते हैं बोन्स से, ब्लड भी कनेक्शन का काम करता. तो सब चीजें कहीं ना कहीं ये चारों में कैटेगराइज हो जाएगा. तो अपना पूरा क्लासिफिकेशन तैयार है, पूरी बॉडी बनाती है ये चारों टिश्यू मिलकर ही पूरी बॉडी बनाएंगे. ओके, इनके अलग अलग टाइप्स रहेंगे, अपने को एक एक को डिटेल में देखेंगे. एमसीक्यू बहुत बनते हैं यहाँ पे, लॉन्ग आंसर बनते हैं, तो अपने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करने का है. मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको फुल डिटेल में तुम्हारे को ऐसा बनाने का जैसे डॉक्टर ही बन गए थे. ओके, सो ये चार प्रकार के टिश्यू रहते हैं अपनी बॉडी में और ये टिश्यू से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है, अब इसके बारे में कुछ थोड़े से साइंटिस्ट के नाम वगैरह. सो फ्रांसिस फ्रैंकोइस जेवियर बिशेट, फ्रैंकोइस जेवियर बिशेट, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी. व्हाट इज हिस्टोलॉजी? स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्टो बायो, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी. व्हाट इज साइटोलॉजी? स्टडी ऑफ सेल, मींस स्टडी ऑफ सेल अगर करे तो साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू करे तो हिस्टोलॉजी. सो तुमको कहीं पे भी आया डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, तो तुमको किडनी के टिश्यू डिस्क्राइब करने के, किडनी का बना कैसे है किडनी वो डिस्क्राइब करने. डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन का टिश्यू डिस्क्राइब करने का. डिस्क्राइब द साइटोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की सेल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने. टिश्यू का स्ट्रक्चर हिस्टोलॉजी रहता और साइटोलॉजी मतलब सेल का स्ट्रक्चर रहता. समझ रहा? ओके, सो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी. हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी? बिशेट, जेवियर बिशेट याद रखो, या बिशेट बिचेट याद रखो, तुम्हारा जो याद रहता है. इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी. स्टेट बोर्ड में फोटो दिया उसकी, ठीक है ये स्टेट बोर्ड में देख लो. प्लस ही क्वाइंड द टर्म टिश्यू, ये जो वर्ड यूज करा मैं टिश्यू 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 एनिमल टिश्यू बोलने का टिश्यू वर्ड, सो इट वॉज क्वाइंड बाय बिशेट, इट वॉज क्वाइंड बाय बिशेट. तो चैप्टर का नाम जो एनिमल टिश्यू, इट वॉज क्वाइंड बाय बिशेट. देन पॉल मेयर बोल के एक बंदा है, पॉल मेयर ही क्वाइंड द टर्म हिस्टोलॉजी. ये जो हिस्टोलॉजी वर्ड मैं यूज करा फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बनने के लिए, सो हिस्टोलॉजी वॉज नॉट क्वाइंड बाय बिशेट, इट वॉज क्वाइंड बाय पॉल मेयर. एंड दैट ऑल्सो विल इंक्लूड द स्टडी ऑफ टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप. अपने को स्टडी कहाँ पे करना पड़ेगी? माइक्रोस्कोप में करना पड़ेगी. लेकिन बिशेट के टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं थे, बिशेट के टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो माइक्रोस्कोप नहीं होने के बावजूद भी उसने इतनी डिटेल स्टडी करा था. उसने बोला था टिश्यू नाम की कोई तो भी कंसेप्ट रहती, अपनी बॉडी में अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स रहते जो एक जैसा काम करते, तो ये बंदे ने इतना ढूंढ के निकाला था विदाउट माइक्रोस्कोप. तो इसके लिए उसको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बनना बराबर है. फिर बाद में हिस्टोलॉजी बोल के जो एक्चुअल साइंस ऑफ स्टडी ऑफ टिश्यू है वो वर्ड कॉइन करा था मेयर ने. फिर बाद में उसके अंदर एनाटॉमिकल स्टडी, डीप स्टडी, इंटरनल ऑर्गन के टिश्यू की स्टडी, किडनी में के मालफिजियन बॉडी की स्टडी, किडनी में न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स की स्टडी, नेफ्रॉन्स की स्टडी किडनी में ये करा था मार्सेलो मार्फीजी, जिसके ऊपर से वर्ड आता मालफिजियन बॉडी. अगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने 10th में ड्रॉ करे होंगे, रहता कैसा पीसीटी हेनलेज लूप डीसीटी और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये रहता तुम्हारा ग्लोमेरुलस, इसमें इसको पूरे को बोलते मालपीजियन बॉडी. सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय दिस मालपीजी
Okay, so Malpighian body, he studied anatomical structure of kidney by using microscope. He also studied other organs by using microscope. So he is regarded as founder or the father of microscopic anatomy. Microscopic anatomy इसने ढूंढ के निकाला था Malpighian. ये बंदा बहुत बारी था. ओके और अपना विषय भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एस्ट्रोलॉजी टर्म वॉज गिवन बाय मेरे तीनों के एमसीक्यू पूछते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए. सो फादर कौन है एस्ट्रोलॉजी का? बिशप. लेकिन टर्म किसने दिया था हिस्टोलॉजी? मेयर. टिश्यू टर्म बिशप. एनाटॉमिकल माइक्रोस्कोपिक स्टडी Malpighian. ओके सो दीज आर दी इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स अबाउट दिस चैप्टर. अपने को चैप्टर में डील क्या करना है समझ में आया तुमको? वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फोर टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड योर नर्वस टिश्यू. ओके लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ओनली फॉर टुडे. इंस्टाग्राम से पर मैसेज से डिलीट कर सकते हैं. सबका डिलीट कर चालू है ना. कितनी मिनट झाले? 15 बस 16 मिनट 15 सेकंड. एक घंटा से गया ना. कोई विषय नहीं. नाउ एपिथेलियल टिश्यू, व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू अपन ये देखने वाले. अब ये एपिथेलियल टिश्यू की अपने को स्टडी करने के, इसके अलग अलग टाइप्स देखने के, इनकी लोकेशन फंक्शन वगैरह अपने को देखने का. तो मेरा एक पैटर्न बनाना रहेगा. मैंने वो पैटर्न जो बनाया वाला है वो कुछ ऐसा है कि अपन पहले टिश्यू कहाँ रहता, कैसा रहता, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा. उसके कुछ फोटोज वगैरह भी आते तो रहते थे आपको, प्लस उसके लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर पहले अपने को देखने का है. हर टिश्यू के बारे में अपन जो चीजें स्टडी करने के, तो पहली चीज रहेगी व्हाट इज दैट टिश्यू. देन उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो, ठीक है. देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट टिश्यू. देन नेक्स्टली वी विल सी द लोकेशन, टाइप्स ऑफ दैट टिश्यू इफ देयर आर एनी टाइप्स. सो वी विल स्टडी द टाइप्स एंड देन इन दिस टाइप्स वी विल स्टडी द लोकेशन ऑफ दैट टिश्यू. कहां पे रहता है वो लोकेशन देखेंगे उसे. ओके एंड एट लास्ट अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू टाइप्स, वी विल स्टडी द फंक्शंस ऑफ दैट टिश्यू. उसके फंक्शंस देखेंगे, ठीक है. सो लाइक दिस, दीज आर दी फोर पॉइंट्स अंडर, फोर हेडिंग्स अंडर विच वी आर गोइंग टू स्टडी दी वेरियस टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी. जैसे कि शुरुआत करते हैं अपन पहले टिश्यू से, एपिथेलियल टिश्यू. सो एपिथेलियल टिश्यू इज नथिंग बट दी टिश्यू, इट इज द सिंपलेस्ट टिश्यू, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टिश्यू मेड अप ऑफ सिंगल और मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स. मेड अप ऑफ सिंगल और मल्टीपल layers of cells, multiple layers of cells of different shapes and sizes. Different shapes and sizes. अलग अलग प्रकार के cells रह सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग cells रहेंगे. And they are having a single layer or the single multiple layer of cells. कैसे बनाए रहते हैं? तो skin की अगर बात करें तुमने, skin की, तो तुम जब स्किन को पील ऑफ करेंगे, मरे वाले जिंदा आदमी की स्किन तो नहीं निकालेंगे, दर्द होगा बेकार, क्योंकि उसको नर्व सिस्टम वगैरह रहता नीचे से, इनर वेटेड रहता. तो ये जो स्किन रहेगी आपकी, अगर उसका स्किन का हिस्सा निकल गया, कोई स्किन वगैरह पार्ट अगर टीयर हो गए वहां से निकल गया, सो एक स्किन का जो टुकड़ा निकाले, अगर तुम उस स्किन के टुकड़े को प्रॉपरली उसको अपन स्टेन करेंगे वगैरह, उसको प्रॉपरली तुमने उसको एक स्लाइड तैयार करेंगे और स्लाइड को जब स्टडी करेंगे, तो तुमको स्किन के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देगा. ऐसी एक सेल है, फिर एक सेल, सेल्स आर द कंपार्टमेंट्स, राइट. सो इस तरीके से एक के ऊपर एक सेल्स रखे हुए हैं बहुत सारे, तुमको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है. मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स दिखाई देंगे. जबकि वही अगर मैं मेरे ओरल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर, नाक के अंदर, ठीक है, या फिर कान की एकदम अंदर वाले पार्ट में, वो तो दिखेंगे नहीं, या फिर ओरल कैविटी से तुम्हारा इसोफेगस, अपनी जो अन्न नलिका है जहां से हम खाना खाएंगे, सो विद इन दैट ओरल कैविटी, इन साइड दैट ओरल लाइनिंग, आपके होंठ नीचे करने के बाद अंदर से जो व्हाइट कलर की लेयर, वो भी अगर थोड़ी सी निकली, कई बार हो जाता, देखो अपन खाना चबाते चबाते एकदम से गाल आ जाता है या फिर जीभ आ जाती, तो एक हल्का सा छिलका निकल जाता है, कलरलेस व्हाइट कलर की ऐसी पतली सी स्किन रहती. दैट लेयर इफ यू ऑब्जर्व, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स. ओके दैट लेयर्स आर अटैच टू द स्किन, उसके अंदर रहती जो कोई भी स्किन, गाल के अंदर से वो पतली लेयर है,
फेविकॉल की जैसी पतली लेयर है, ठीक है, और उसके नीचे मेन और टिश्यू है। सो ये दोनों एक दूसरे को छिटका ले रहे थे और इनके बीच में एक ग्लू लाइक सब्सटेंस रहेगा, इट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन रहेगा, इट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट इमेजिन करो, पूरा गाल है तुम्हारा, गाल के अंदर से ये पन्नी लगा है, ठीक है, पन्नी जैसी लेयर है, और उसके दोनों के बीच में ये जो तुम्हारे गाल के जो कोई भी टिश्यू है, यहाँ पे मसल्स है प्लस फैटी टिश्यू है, फैट भी रहता है ना गाल में, सो फैटी टिश्यू, उसके अंदर मसल्स, और फिर उसके ऊपर तुम्हारे ये अंदर से, हाँ गाल के अंदर बोल रहा हूँ, सो वहां पर तुम्हारी ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है, यहाँ पे तुम्हारा फैटी टिश्यू है और उसके नीचे मसल्स है, ठीक है, और फिर तुम्हारा बाहर की स्किन है, हड्डी नहीं रहती ना गाल में, यहाँ पे बोल रहा हूँ, अंदर नहीं बोल रहा, हड्डी को हाथ लगाए तो हड्डी वहां पे, मैं गाल की बात कर रहा, समझ रहा है। सो यहाँ पे फिर तुम्हारी बाहर से भी वापस से वैसी लेयर, मसल्स के ऊपर से वापस से फैटी टिश्यू, और फैटी टिश्यू के ऊपर वापस से बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ऊपर से वापस से स्किन है, ऊपर से ड्राई स्किन है, अलग स्किन है, अंदर की स्किन थोड़ी अलग है, बाहर की स्किन अलग है, ठीक है, अपन टाइप्स बाद में देखेंगे, बट बेसिकली व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट एट सम रीजन्स इन सम ऑर्गन्स, इट मे बी मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कई जगह पे ऐसे भी रहते हैं, जैसे कि अब ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, चौकोन चौकोन ऐसे सेल्स रहेंगे, देखो 3D में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा मैं, हर सेल को अपना न्यूक्लियस रहेगा खुद का, इधर भी हर सेल को खुद का न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस इज शोन बाय दिस डार्क सर्कल, ओके, ठीक है, और बेसमेंट में, बेसमेंट मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को अगर मैं देखा तो जब स्किन निकलेंगी तो उसके लेयर्स रिमूव करने का, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको मैंने जूम किया, इसको जूम करके देखा अपन ने इतने हिस्से को, ठीक है, तो मुझे ये जो इतना हिस्सा है जूम करने का ऐसा देखेंगे, इसमें दो लेयर्स रहते, एक लेयर जो है सेल्स के कॉन्टेक्ट में है, इपिथेलियल सेल्स के कॉन्टेक्ट में, ये जो सेल्स है ऊपर के उनके कॉन्टेक्ट में, और नीचे का जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है तुम्हारा, नीचे फैटी टिश्यू वगैरह अभी जो बताया, सो वो फैटी टिश्यू के कॉन्टेक्ट में है, इधर यहाँ पे फैटी टिश्यू के सेल्स रहेंगे, ठीक है, सो इसके अंदर दो हिस्से हो रहे बेसमेंट मेम्ब्रेन के, द अपर रीजन दिस इज कॉल्ड बेसल लैमिना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके अंदर दो बेसमेंट मेम्ब्रेन हैज टू पार्ट्स, अपर बेसल लैमिना, लोअर रेटिकुलर लैमिना, लोअर रेटिकुलर लैमिना, दिस इज नॉट इन स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड के लिए नहीं करना, स्टेट बोर्ड में इतना ही लिखना है, इट इपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स लोकेटेड ओवर अ बेसल लैमिना, ठीक है, बेसल बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मतलब बेस है नीचे, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से तो याद रखना है बेसल लैमिना और रेटिकुलर लैमिना, लैमिना मतलब लेयर, लैमिना मतलब लेयर प्लेट, तो एक के ऊपर एक दो प्लेट्स, जैसा केक में कैसे लेयर्स रहते हैं तो वैसे दो लेयर्स, एक नीचे की लेयर एक ऊपर की लेयर, सो द लेयर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद इपिथेलियल सेल्स दिस इज कॉल्ड बेसल लैमिना, बेसल लैमिना, द लेयर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड रेटिकुलर लैमिना, बेसल लैमिना इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स है इसमें, ये कैसे बने वाला है, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लस म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स सिक्रेटेड बाय इपिथेलियल सेल्स, ये सेल्स ही सिक्रेट करेंगे, यही के सेल्स ही उसको सिक्रेट करेंगे, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स, शुगर प्रोटीन्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड मतलब दे आर ऑल्सो पॉलीसेकेराइड शुगर्स, सो ये सेल्स ये वाली लेयर तैयार करेंगे, वैसे ही नीचे की जो कनेक्टिव टिश्यू है, दिस कनेक्टिव टिश्यू विल सिक्रेट द रेटिकुलर लेयर बाय सिक्रेटिंग कोलेजन फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स, इसमें क्या क्या रहते, कोलेजन फाइबर्स धागे रहेंगे प्लस रेटिकुलर फाइबर्स, सो बेसल लैमिना इज सिक्रेटेड बाय इपिथेलियल सेल्स एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स चिपचिपे रहते वो, ओके, म्यूकस जैसे एकदम चिपचिपे, म्यूकस समझता क्या, नाक में से निकलता ना म्यूकस, फ्रेश म्यूकस, उसमें कचरा बैठे बाद उसको क्या क्या बोलते तुमको मालूम है, काला हो जाता, गंदा हो जाता, अब ये चैप्टर में बड़ा मजा आने वाला है तुमको, बार बार म्यूकस का एग्जांपल देने वाला है, लिटरली अपनी भाषा में शेमबुड की बात करने वाला है मैं बार बार, तो बहुत मजा आने वाला है तुम्हारे चैप्टर में, बार बार में फेवरेट पार्ट है वो मेरा, शेमबुड बोला कि समझ जाने का सर म्यूकस करने वाले आज बहुत गान करने है, ओके, खाएंगे ना बचपन में सबने, मजा आता उसका, क्यों मैंने नहीं खाया, मेरी बात नहीं कर रहा,
रोते रोते जाता हो बच्चों की बराबर, नाक में से बहते बहते बराबर जाता, खा लेते बच्चे, कैसा लगता, खारा खारा लगता, क्यों कुछ भी सर वरना आप सही में आप गंदे लग रहा हो, मैं वीडियो रोक देंगे, है ना, गुस्से में आगे बढ़ते। बेसल लैमेला इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ल्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, इट इज सीक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स, एंड रेटिकुलर लैमेला मींस लोअर लेयर, इट इज रेटिकुला, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज नेटवर्क, सो नेटवर्क के साथ जाले रहेंगे, इसी धागे धागे पड़े रहेंगे, सो दैट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, दे आर वेरी रिजिड स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, व्हाइट कलर के फाइबर्स रहते, एंड रेटिकुलर फाइबर्स दे आर ऑल्सो इंटरमिंगल्ड, ऐसे जाले रहते एक दूसरे में गुद्दे आले रहते, ओके, सो दे फॉर्म बेसिक लेयर। अब इससे होता क्या, ऊपर की लेयर चिपचिपी रहेंगी, नीचे की लेयर एकदम पूरी जाली जैसी रहेंगी, तो चिपचिपी लेयर के ऊपर सेल बराबर चिटक के बढ़ जाएंगे, ये जो सेल बैठे वाली है वो चिटक के बैठेंगे ना, वो कहीं हलेंगे डुलेंगे नहीं, प्लस नीचे की जाली की वजह से क्या आ जाएगा, उसको बेस अच्छा मिल जाए, नहीं तो वो ऐसा जेली के जैसा डुग 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 हलेंगे ना सेल, तो इसके लिए नीचे धागे रहते और ऊपर से चिकट लेयर रहती, मेड अप ऑफ बेसल लैमिना, समझ में। देन देयर आर सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, हेंस इट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टिश्यू, ओके। देयर आर नो ब्लड वेसल्स टू सप्लाई, ब्लड सप्लाई इसको खुद का नहीं रहता, यहाँ पे कहीं ब्लड वगैरह वेसल निकाला गया मैंने, ब्लड सप्लाई नीचे रहेगा कनेक्टिव टिश्यू में, यहाँ पे एक ब्लड वेसल रहेंगी कैपिलरी वगैरह, उसके अंदर से ब्लड फ्लो होगा, तो फिर इसको जो कोई भी न्यूट्रिशन लगेगा, अब इनको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, ब्लड में से न्यूट्रिशन आएगा, सो ये ब्लड का न्यूट्रिशन इधर ये सेल में डिफ्यूजन से जाता, कैसे जाता, डिफ्यूजन, डिफ्यूज होना मतलब क्या होना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रहते हैं, सेल में न्यूट्रिएंट्स कम है, तो ऑटोमेटिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन से न्यूट्रिएंट्स जाएंगे लो कॉन्सेंट्रेशन की सेल की तरफ, सो द न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन ऑफ दीज एपिथेलियल सेल्स इज डन बाय डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एडजेसेंट और अंडरलाइंग टिश्यू, ये नीचे वाले टिश्यू का काम है, ये वाले टिश्यू का, दिस टिश्यू, दिस लेयर विल प्रोवाइड नरिशमेंट, बिकॉज व्हाई, बिकॉज इट इज अ वैस्कुलर टिश्यू, epithelium is a vascular tissue, a means absence, vascular मतलब blood vessels, means no blood supply or blood vessels are absent, blood vessels are absent in epithelial tissue, in epithelial, blood supply नहीं रहता उसको, खुद का blood supply नहीं है, okay, but it is innervated मतलब it has nerve supply, उसको नर्व सप्लाई तो रहना चाहिए ना, ब्लड सप्लाई नहीं, चलो ब्लड से न्यूट्रिशन चले जाएगा डिफ्यूजन के होते हुए, ऑक्सीजन भी ऐसी चले जाएगी, CO2 इधर से आ जाएगी, वो तो हो जाएगा काम, लेकिन नर्व सप्लाई तो होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन को कैसा मालूम पड़ेगा उधर कुछ इंजुरी हो रही, कोई मार रहा, कोई पेंट टोच रहा, कोई काढ़ा कर रहा, चुमटा ले रहा, वो तो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए ना, कोई चटके दे रहा तुमको, कोई काट रहा, क्या क्या वट एवर, तुम्हारे को जो भी सेंसेस है वो तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचने तो चाहिए, तो एटलीस्ट नर्व सप्लाई बराबर रहते, हैप्पी बेसिस पे ऐसे नर्व्स रहते, ऐसे नर्व यहां तक अटैच रहते, सो नर्व सप्लाई रहता, लेकिन ब्लड सप्लाई उसको खुद का नहीं रहता, सो विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज अवैस्कुलर, एपिथेलियल टिश्यू, बट इट इज इनर्वेटेड, इनर्वेटेड मीन इट हैज इट्स ओन नर्व सप्लाई, इनर मतलब इन मतलब प्रेजेंट, नर्व मतलब नर्व्स, सो नर्व सप्लाई, ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, हैविंग अ बेसमेंट मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ बेसल लैमेला एंड रेटिकुलर लैमेला, सीक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल, सीक्रेटेड बाय अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, made up of glycoproteins like mucopolysaccharides, made up of collagen fibers, reticular fibers, okay, then it has its own nerve supply, but it lacks its own blood supply, hence it is said to be a vascular tissue, this type of tissue will get nutrition from adjacent connective tissue or adjacent tissue by diffusion, ye bhi puchte kaisa jata hai, active absorption hota hai kya passive hota hai, diffusion hota hai, active passive chhod do, diffusion is itself is a type of passive absorption, पैसिव ट्रांसपोर्ट, बट डिफ्यूजन स्पेशल वर्ड याद रखो यहाँ, ओके, मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मटेरियल टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है, दस दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, द टिश्यूज एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड और स्ट्राइटेड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल
और स्ट्राइटेड, ये दो टाइप्स रहते हैं। सिंपल मतलब क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इसमें एक ही लेयर रहेगी सेल्स की, बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा उस पर एक ही लेयर रहेगी सेल्स की, ठीक है। बट कंपाउंड विल हैव मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, एक लेयर उस पर दूसरी लेयर उस पर तीसरी लेयर, समझ रहा, चौथी फिर अगली लेयर, लाइक दिस, ठीक है। सो सिंगल लेयर अगर रही एपिथेलियल में सेल्स की तो उसको सिंपल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल ईटी, और अगर मल्टीपल लेयर्स है तो कंपाउंड ईटी, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ईटी मैं बोल रहा हूं शॉर्टकट यूज नहीं करने का, फटाफट बोल रहा हूं। स्ट्राइएशन मतलब लेयरिंग, स्ट्राइट वर्ड का मतलब क्या है, लेयर, लाइंस, तो एक के ऊपर एक लाइन रखेली सेल्स की, हेंस इट इज कॉल्ड स्ट्राइटेड और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब इसकी भी टाइप्स रहते हैं, अपने को 5-6-7 टाइप्स देखने के, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू और सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू, और लास्टली जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। ये 7 प्रकार अपने को देखने के एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स है। आज बस लिस्ट बना लो, अपने को एक एक टाइप डिटेल में देखने का तो तुमको उनके नाम याद हो जाए। स्क्वैमस एपिथेलियल, इसमें शेप ऑफ सेल्स रहता स्क्वायर जैसा, स्क्वायर लाइक शेप, चपटे रहते हैं ऐसे एकदम पतले से, टाइल जैसे, ओके एकदम फ्लैट टाइल रहते ना, अपने गट्टू रहते क्या वो ब्लॉक्स रहते क्या, पेवर ब्लॉक्स, अपने पेवमेंट फुटपाथ के ऊपर ब्लॉक्स, वैसे पतले पतले ब्लॉक्स रहते, वैसे पतले पतले ब्लॉक्स रहेंगे, एक के बाजू एक सेल्स रहेंगे, इधर एक है इसके बाजू दूसरी, ठीक है, इस तरीके से लेयर्स रहेंगे, स्क्वायर शेप्ड सेल्स आर प्रेजेंट। क्यूबॉइडल में नाम भी लिखा है, क्यूबॉइडल, क्यूब शेप, आइस क्यूब कैसा रहता, समझ में फर्क आ रहा, फर्क ध्यान में आ रहा, स्क्वायर शेप रहा तो स्क्वैमस और क्यूब लाइक रहा तो क्यूबॉइडल। कॉलम नार के सेल्स कॉलम जैसे रहते से लंबे लंबे है क्या, ऊंचे ऊंचे सिलेंड्रिकल थोड़े से लंबे ऐसे, ओके कॉलम नार सेल्स, इनका न्यूक्लियस इधर रहेगा बड़ा सा, इनका बेस पे रहेगा, इनका न्यूक्लियस इधर रहेगा, ठीक है, अपन एट दी सेम टाइम सब बता दूंगा तुमको। सीलिएटेड में क्या रहेंगे, या तो कॉलमनार रहेंगे ऐसे या क्यूबॉइडल रहेंगे, और उनके ऊपर सीलिया नाम के स्ट्रक्चर रहेंगे, माइक्रोविलाई नाम के स्ट्रक्चर रहेंगे, अपन देखेंगे जब भी आएगा। ग्लैंडुलर में ग्लैंड्स में का टिश्यू रहेगा, ग्लैंड्स जो भी सिक्रेट करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स तुम्हारे इंसुलिन वगैरह, पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स, तो वो ग्लैंड्स में रहेगा, ग्लैंडुलर टिश्यू, दे आर स्पेशली मेड फॉर सिक्रीशन, समथिंग इज सिक्रेटेड, ओके। सेंसरी टिश्यू सेंस ऑर्गन्स में रहेंगे, वो सेंस लेके जाएंगे, उसका सेंस अपने को ब्रेन तक पहुंचाएंगे, जैसे कि आईज में रहेंगे फोटो सेंसिटिव, फोटो रिसेप्टिव टिश्यू, स्किन में रहेंगे मैकेनिकल टिश्यू, सब बताऊंगा मैं तुमको कौन से टाइप्स। और लास्टली जर्मिनल टिश्यू, जो जर्मिनेशन मतलब जर्म्स, गैमेट्स, जर्म्स नहीं जर्मिनेट होना, गैमेट तैयार करने वाले, टेस्टिस, ओवरी, अपने अपने सेल डिवीजन में देखे थे वो फीमेल मदर सेल्स ने, पोलन मदर सेल्स वैसे, तो स्पर्म प्रोड्यूसिंग मदर सेल्स, ओवम प्रोड्यूसिंग मदर सेल्स, सो वो जर्मिनल टिश्यू, दे आर ऑल्सो सिंपल टिश्यू, सिंगल लेयर रहती है उनसे गैमेट्स तैयार होते डिवाइड होते, ठीक है। सो दीज आर दी 7 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू, ऐसे इधर रहेंगे तुम्हारे स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल, दो टाइप स्ट्रेटिफाइड कंपाउंडिटी और ट्रांजिशनल कंपाउंडिटी, दो बेसिक टाइप, ठीक है। केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड क्या रहता है उसके अंदर सब टाइप्स अपन बाद में, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यू, लिख के रख लो, अपन डिटेल में स्टडी करेंगे सिंपल वैसे ही कंपाउंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।